डिसेबिलिटी सेक्टर के साथ अपडेटेड रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल और प्रेस करें बेल आइकन। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। वेरी गुड। ये कहाँ से है? कांग्रेचुलेशन, वेरी वेल डन। सर 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 सेकंड 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 इसको 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 नेक्स्ट 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 यस। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, रेडियो उड़ान पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का प्रोग्राम बहुत खास होने वाला है, मैं आपको कह रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज संडे है और समय है आपको एक और पर्सनैलिटी से मिलाने का। आज की जो पर्सनैलिटी है बेहद खास है, उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो इससे पहले किसी विश्वविद्यालय पेड़ ने नहीं किया है। यहाँ ये यंगस्टर है, बहुत यंग है, ओनली 19 ईयर ओल्ड, दो बार ये वर्ल्ड अवेकस चैंपियनशिप को जीत चुके हैं, यानी मैच पे इनकी जबरदस्त पकड़ है और वो हम आपको शो के दौरान भी सुनवाएंगे। तो क्या वर्ल्ड अवेकस चैंपियनशिप होती है उसके बारे में भी बताएंगे, क्या होती है वर्ल्ड अवेकस चैंपियनशिप उसके बारे में भी बताएंगे। इन्होंने 2015 में न्यू दिल्ली में इस चैंपियनशिप को जीता है और 2016 में दुबई में, दोनों बार इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और ये पहले विजुअली इम्पेयर्ड बने हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है। और इन्होंने जो कम्पीट किया है वो नॉन डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के साथ किया है, 5000 नॉन डिसेबल्ड को हराते हुए इन्होंने फतेह हासिल की है। इन्हें राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भी चयनित किया गया है, उसके बारे में भी इनसे हम जानेंगे वो कौन सा अवार्ड है। और ये बाय बर्थ ब्लाइंड है, कॉमर्स में इन्होंने एडमिशन ली है, सीए फाउंडेशन कोर्सेज भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इज इमेंसली टैलेंटेड। हमारे साथ औरंगाबाद से प्रनीत गुप्ता है। प्रनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। सर्वप्रथम रेडियो उड़ान के सभी श्रोता को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। थोड़े दिन पहले प्रनीत मैंने शकुंतला देवी मूवी देखी, हालांकि मैं उनके बारे में जानता तो बहुत लंबे अरसे से था। एक बड़ी फैसिनेशन थी माइंड में कि लाइव उनको देखने का कितना मजा आता होगा। तो कई बार मूवीज में कुछ बड़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं था कि बहुत जल्दी हम मेल वर्जन ऑफ शकुंतला देवी से मिलने वाले हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू। तो धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। पनीत, सबसे पहले हमें अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएं और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। फिर एक बार सभी को नमस्कार। मैं प्रणीत गुप्ता फ्रॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं शुरू से ही ब्लाइंड हूँ, जिसे हम बाय बर्थ ब्लाइंड कहते हैं। मेरे पिताजी सिविल इंजीनियर है और मेरी मदर हाउसवाइफ है। हमारे पूरे परिवार में
मैं पहला ऐसा दिव्यांग व्यक्ति हूँ जो ब्लाइंड या फिर दिव्यांग पैदा हुआ है। तो शुरुआत में मेरे माता पिता को एक झटका लगा, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ नहीं थी। आज से 19 वर्ष पहले उतने संसाधन नहीं थे, उतनी जन जागृति नहीं थी, तो एक डिसेबल व्यक्ति को कैसे ट्रीट किया जाता है, उन्हें कैसे ट्रेन किया जाता है, इस बारे में उन्हें तब जानकारी नहीं थी। तो उनके मन में भी थोड़ी सी निगेटिविटी आई, बट उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है और खुद के दम पर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं, इस काबिल मुझे बनाना है। तो इस दिशा में उन्होंने कार्य करने की शुरुआत की और सबसे पहले तो उन्होंने मुझे भारत के विभिन्न अस्पतालों में बताया, बट वहाँ से भी डॉक्टर ने कह दिया कि प्रणीत को रेटिना का प्रॉब्लम है और इसका कोई भी सोल्यूशन आज तक पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं है और आपका अमूल्य समय और प्रणीत का भी समय इलाज में खर्च न करते हुए अगर प्रणीत के एजुकेशन में अगर आप ध्यान लगाएंगे तो इसमें प्रणीत का भी भला होगा और आपका भी भला होगा। इसके बाद मेरे माता पिता ने मेरे लिए आगे के एजुकेशन की तैयारी करनी शुरू की और सबसे पहला प्रश्न उनके सामने ऐसा आया कि प्रणीत को नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया जाए या फिर विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल में पढ़ाया जाए। तो उस समय मैं एक्चुअली औरंगाबाद सिटी में रहता हूँ, तो ब्लाइंड स्कूल मेरे घर के पास ही है, बट ब्लाइंड स्कूल का नियम ऐसा था कि उनका कहना था कि आपको हमारे हॉस्टल में ही रहना होगा, बट मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं घर पर ही रहूं, यानी रोज स्कूल में जाना और घर पर वापस आना, वो ऐसा मेरा जीवन शैली रखना चाहते थे, बट ब्लाइंड स्कूल के ये रूल्स के अगेंस्ट हो रहा था। तब उन्होंने कोशिश किया, मुझे नॉर्मल स्कूल में एडमिशन दिलवाया, बट मेरा बड़ा ब्रदर है जो भी नॉर्मल है तो उसी के स्कूल में मुझे डाला गया, बट वहाँ से ये बताया गया कि वहाँ के टीचर्स कहते थे कि हम हमारे 1000 बच्चे देखेंगे या हम इस एक को ट्रीट करेंगे, क्योंकि इसमें मैं समझता हूँ कि गलती उनकी भी नहीं है। मैं जैसे पहले कहा, उस समय इतना अवेयरनेस नहीं था, ना शिक्षकों में था ना इस समाज में था, जितना आज देखने को मिलता है। तो वहाँ से मुझे बहुत परेशानी हुई, एक दो स्कूल्स भी बदले, बट आखिर में मेरे पिताजी के दोस्त थे संतोष जी जायसवाल सर, जिनका नया नया ही स्कूल चालू हुआ था और वो मराठी मीडियम का स्कूल था, तो उन्होंने कहा कि मैं ट्राई करूँगा अगर आप संधि देते हैं तो फिर वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। और आपको बताते हुए बेहद ही खुशी होती है कि मैंने पहली से दसवीं तक की सारी स्टडी वहीं से कम्प्लीट की, और इससे भी अच्छी बात अगर आपको बता दूँ तो मेरा एक रिकॉर्ड रहा है स्कूल में कि थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर टेंथ स्टैंडर्ड तक मैं हर वर्ष सभी नॉर्मल स्टूडेंट में भी मेरे स्कूल में प्रथम आता था, और टेंथ स्टैंडर्ड में 96% लेकर मेरे स्कूल में तो मैं फर्स्ट आया ही था, और उस वर्ष पूरे महाराष्ट्र में दिव्यांग छात्रों में भी मैं प्रथम आया था। ग्रेट, और इसी तरह का कारनामा आपने आगे भी किया। तो प्रणीत, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है और अभी तो इंटरव्यू शुरू हुआ, बहुत सारी चीजें आपसे जाननी है, खास तौर पे आपके जो मैथ स्किल्स हैं उसके बारे में मुझे जानना है। तो प्रणीत, आप मल्टी टैलेंटेड, आपको म्यूजिक का भी शौक है, आप चेस भी खेलते हैं, आप स्टडी में भी बहुत अच्छे हैं, टॉप करते हैं हर साल, आप मैथमेटिशियन भी हैं, तो ये मल्टी टैलेंट ये कैसे आप में आया इतनी छोटी उम्र में? जी, इसका सारा श्रेय तो मैं अपने माता पिता को ही दूंगा, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मैं मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, तो उस दिशा में उन्होंने पहले से ही कदम बढ़ाया। जब मैं छोटा था तो पहली की कक्षा में होते हुए ही उन्होंने मुझे म्यूजिक क्लास ज्वाइन करवा दिया। हालांकि तब उस समय मैं हारमोनियम सीखता था और गांधर्व महाविद्यालय से मैंने हारमोनियम के 4 परीक्षा पूर्ण भी किए थे, और उसके बाद परिस्थिति ऐसी बनी कि 5वीं परीक्षा के लिए मेरी एज पूर्ण नहीं बैठ रही थी, तो वो रूल के अगेंस्ट जा रहा था, इसलिए 2-3 साल वेट करने के बजाय मुझे उन्होंने तबला ज्वाइन करा दिया, और फिर हारमोनियम के साथ साथ मेरा तबला का भी शिक्षण ऐसे ही शुरू हुआ, और फिर 3 साल तबला सीखने का था और उसके बाद हारमोनियम में वापस आने का था, ऐसा हमने निश्चय किया था। बट
परिस्थितियां ऐसी बनी और मुझे भी तबला अच्छा लगने लगा, तो मैंने उसमें ही आगे विशारद भी कंप्लीट कर लिया। बट मैंने मेरे हारमोनियम वाली रुचि बिल्कुल नहीं छोड़ी। हाँ, इतना ही है कि मैंने उसके परीक्षा ही नहीं दी। और इसी के साथ साथ जब मैं छोटा था तो मुझे संस्कृत सीखने का भी शौक था। हमारे यहाँ संस्कृत के क्लासेस होते थे, गीता, महाभारत और ऐसे अनेक संस्कृत के जो ग्रंथ है वो पढ़ाए जाते थे, उनका मतलब बताया जाता था, तो मैं उसमें भी रुचि लेता था। और हर हफ्ते में से सिर्फ एक घंटा वहाँ जाना होता था, तो मैं मेरे बड़ा एक शौक था और मैं जाता था वहाँ पे, ये सब सुनता था, उनके कॉम्पिटिशन में भी मैं पार्टिसिपेट करता था। भले ही वो छोटे लेवल के थे बट उससे एक अलग ही आनंद मिलता था। तो ये सब चालू था। इसके साथ साथ मेरी मदर को चेस बहुत अच्छा आता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे चेस भी सीखना चाहिए। और आपको बताते हुए बड़ा ही खुशी होती है कि मैंने चेस कोई किसी प्रोफेशनल से नहीं सीखा है, मुझे घर पे ही उन्होंने चेस सिखाया। और इसी तरह अलग अलग एक्टिविटीज में मैं पार्टिसिपेट करता रहा। इसमें एक बड़ी बात मेरे स्कूल के टीचर्स की भी आती है कि स्कूल में जो भी बड़ा प्रोग्राम होता था, जैसा हम गैदरिंग कहते हैं, या फिर किसी की जयंती हो, पुण्यतिथि हो, या कोई गेस्ट स्कूल में आने वाला हो, तो मुझे एंकरिंग करने के लिए या फिर कोई स्पीच देने के लिए, कोई कविता पढ़ने के लिए, या कोई म्यूजिक का प्रेजेंटेशन देने के लिए, वो लोग मुझे हमेशा आगे रखते थे। मैं अगर पीछे रहता तो मेरे शिक्षक अलग से मुझे पास बुलाकर अलग से मुझे मोटिवेट करते थे। तो इसमें एक बड़ी भूमिका उनकी भी रहती है कि उन्होंने कभी भी मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड हूँ इसलिए संकोच नहीं किया। और इसका फायदा मुझे आज होता है कि उस वक्त उन्होंने मेरे लिए ये सब किया, तो आज मैं इतना मल्टी टैलेंटेड होकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बिल्कुल, और आप बहुत किस्मत वाले हैं, यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपको इतनी सपोर्ट मिली आपके टीचर से और फैमिली से। बहुत बार ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनके टैलेंट को कोई पहचानता नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो जाता है जिसके कारण उनका टैलेंट भी खराब हो जाता है। उस लिहाज से आप बहुत फॉर्चुनेट हैं। अब हमें थोड़ा सा बताएं ये मैथ का शौक कैसे पड़ा, जो लिसनर्स बेताब होंगे आपकी स्किल्स को देखने के लिए। ये चैंपियनशिप के बारे में आपको कब पता चला और ये मैथ के बारे में आपने सारे टैलेंट्स के बारे में बताया, ये वाला शौक आपको कहाँ से पड़ा, हु इंस्पायर्ड यू? जी सर, ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जब मैं थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में था तो हमारे आसपास ये एबेकस, ये नया कंसेप्ट हमारे सिटी में आया था और एक ट्रेंड बना था नया कि अगर आपको मैथ सीखना है तो आपको इसमें इस फील्ड में आना चाहिए। और औरंगाबाद तभी डेवलप भी हो रहा था, तो अच्छे अच्छे क्लासेस पुणे मुंबई से उनके ब्रांचेस औरंगाबाद में खोल रहे थे। तो इसी सिलसिले में एबेकस की भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की ब्रांचेस औरंगाबाद में खुलने लगी, तो मेरे स्कूल के सभी मित्र या हमारे कॉलोनी में रहने वाले आसपास के मेरे मित्र जाने लगे वहाँ पे। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन भी इसमें ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे पहले से ही जो जो चीज़ें अच्छी लगती है वहाँ पे अपनी किस्मत आजमाने की एक इच्छा रही है। तो मैं सोचा कि अगर हम इस दिशा में कुछ करें तो शायद कुछ आइकॉनिक भी होगा, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि जो दुनिया कर रही है वो तो ठीक है लेकिन अगर हम कुछ अलग करें तो ये दुनिया के लिए मिसाल बन सकती है। तो इसी दृष्टिकोण से मैं एबेकस में गया। बट एक बात आपको इसमें भी मैं बताना चाहूँगा कि मुझे वहाँ पर पहले 3-4 क्लासेस में रिजेक्ट कर दिया, जो सिलसिला स्कूल के मामले में हुआ था स्टार्टिंग में, वही केस वहाँ पर भी हुई। मैंने वहाँ पर मेरा हिस्ट्री बताया कि मेरा स्कूल के रिकॉर्ड बताया, मेरे स्कूल के टीचर से बात भी करवाया, परंतु इसके बावजूद भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और एक जिसे बोलते हैं रिस्क नहीं लिया विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। बट यहाँ पे अच्छी बात यह रही कि 5-6 क्लास से रिजेक्ट होने के बाद जब मैं एक और क्लास के पास गया तो वहाँ के टीचर श्वेता दायमा मैडम, जिन्होंने माता पिता से कहा कि मैं गारंटी तो नहीं लेती बट मैं आप मुझे एक वर्ष दे दीजिए, मैं एक वर्ष ट्राई करूंगी और मेरे मेरे मेरी ओर से उसको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो उन्होंने फिर मुझे पढ़ाना शुरू किया, मेरा क्लास लेना शुरू किया और मैडम का भी बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने मुझे एबेकस का फ्रेम
हाथ लगाकर उसे कैसे एज्यूम करना चाहिए, कौन से मणि की क्या वैल्यू होती है, ये सब उन्होंने मुझे बताया। अलग से वो मुझे 3-4 घंटे वक्त देती थी और मुझे बेसिक एबैकस सीखने के लिए सभी को 2.5 महीने लगते हैं, बट मुझे 1 वर्ष लगा, क्योंकि मैडम के लिए भी ये चीज नई थी, उन्होंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो ये चीज उनके लिए भी नई थी, इसलिए थोड़ा वक्त लगा। लेकिन एक बात मैं इसमें कह देना चाहता हूँ कि जो टेक्निक से अदर स्टूडेंट करते थे, मैम ने मुझे वैसा न सिखाते हुए मेरे लिए जो सुटेबल होगा, उन्होंने मुझसे ही कहा कि हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं, आप आपके हिसाब से ठहरा लो कि इस चीज को आप कौन से एंगल से टैकल करेंगे। तो उन्होंने मुझ पर ऐसा कभी दबाव नहीं बनाया कि जो जो टेक्निक हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है उसी से आप इस एबेकस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा दबाव उन्होंने मुझ पर कभी नहीं बनाया। और एक बात मैं मुझे बताते बहुत खुशी होती है कि आज मुझे जो टेक्निक आती है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये टेक्निक कोई विजुअल इंपेयर सीखे तो उसके लिए, जैसा मुझे 1 वर्ष लगा, तो उसके लिए ये सीखना कम से कम 6 महीने में तो भी पॉसिबल हो जाएगा। और आज ये टेक्निक दुनिया में किसी को नहीं आती जो मुझे आती है, क्योंकि वो मैंने एक प्रकार से कहा जाए तो खुद ही डेवलप की है। तो कहानी तो इससे आगे है, 1 वर्ष का बेसिक पूर्ण होने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसका नाम है UCMAS, यूनिवर्सल कंसेप्ट मेंटल अर्थमेटिक सिस्टम, ये उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, UCMAS इंडिया जिसे हम कहते हैं। तो उनके अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते थे, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, ऐसे अलग अलग उनके कॉम्पिटिशन्स होते थे। 2014 में नेशनल का उनका कॉम्पिटिशन दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था, बट वहाँ पे हुआ ये कि मुझे वो लोग ऐसे ही पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे थे, विजुअली इम्पेयर्ड है कैसे आप हिस्सा लोगे ये सब वहाँ बताया गया। तो मैडम ने एक ही रिक्वेस्ट की कि ठीक है, आप प्रणीत को भले आप पार्टिसिपेट मत कराइए, सिर्फ 5 मिनट आपके स्टेज के दीजिए कि जब आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होगा उस वक्त सिर्फ सभी गणमान्यों के सामने प्रणीत का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप रखिए, एक गणित का सम प्रणीत को आप लाइव वहाँ पूछिए और वो उसका सही जवाब देता है कि नहीं ये आप चेक कीजिए। बस उन्होंने इतना ही कहा और मेरा 5 मिनट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने रखा और उसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त हुआ कि उसके ही अगले साल 2015 में इंडिया में पहली बार इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन आयोजित हो रहा था। और इसमें भी ये था कि कोई भारतीय पिछले 20 साल में वहाँ पर जीता नहीं था, तो मेरे लिए उन्होंने मैडम जी को विनती की कि आप प्रणीत को बिठाइए, बट उन्हें भी थोड़ा सा डाउट आ रहा था कि मैं डायरेक्टली कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरे पास बैकअप नहीं था, नेशनल और स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन जीतने का मेरे पास बैकअप नहीं था, पर मेरे टैलेंट की वजह से मुझे वो लोग डायरेक्टली इंटरनेशनल में उतारना चाहते थे और मेरी शायद किस्मत अच्छी थी कि मेरा वहाँ नंबर भी लग गया। और फिर उस कॉम्पिटिशन में मैंने वर्ल्ड चैंपियन का अवार्ड भी हासिल किया, लगभग 56 देशों के 56 कंट्रीज के 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें मैं अकेला एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट था और राइटर की मदद से 3 सेकंड के अंदर मुझे हर सवाल का जवाब देना था, चाहे सवाल कितना भी कठिन क्यों ना आए, बट मुझे 3 सेकंड के अंदर ही जवाब देना था और अदर स्टूडेंट्स को भी 3 सेकंड के अंदर जवाब देना था। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि राइटर के अलावा विजुअली इम्पेयर्ड को मिलने वाली किसी भी सुविधा का मैंने उस समय उपयोग किया नहीं, बल्कि मुझे ऐसी कोई सुविधा वहाँ मिली भी नहीं। तो 3 सेकंड में स्टूडेंट्स को आंसर लिखकर देना होता था, बट मुझे 3 सेकंड के अंदर राइटर को बोलना, उसके बाद राइटर का लिखना, ये सब चीज़ें करनी होती थी। और एक और खास बात इसमें थी कि राइटर कौन रहेगा ये मुझे पहले से बताया नहीं गया था, ऑन द स्टेज से घोषणा हुई कि पेरेंट्स में से कोई भी राइटर बोल के आ सकता है, आपको सिर्फ प्रणीत जो आंसर बोलेगा उतना लिखकर प्रेजेंट करना है। तो ऑन द स्टेज यानी पूरे पब्लिक के सामने ये सब कुछ चल रहा था, तो इसमें शक की कोई गुंजाइश ही बची नहीं थी और ये मेरा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा कि आज मुझ पर कोई शक नहीं कर सकता कि मैंने किसी प्रकार की राइटर पर मैं डिपेंड रहा, क्योंकि पब्लिक में से ही एक व्यक्ति राइटर बोलकर आया था। और फिर इसी तरह इस कॉम्पिटिशन में मैंने
5000 स्टूडेंट्स को हराकर इस कंपटीशन पर विजय प्राप्त की और भारत को पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का अवार्ड दिलाया। और एक आखिरी बात इसमें बता देना चाहता हूँ कि कंपटीशन का स्वरूप ऐसा होता है कि आपको 1+2+3+4-6 ऐसे वन डिजिट से शुरुआत करके लास्ट स्टेज पे 56,397-28,609 ऐसे इतने कठिन सवाल आपको पूछे जाते हैं, यानी 56,394-28,697 ऐसे प्लस माइनस के 20-30 सम आपको फाइनल राउंड में पूछे जाते हैं। बस सिंपल सी बात इसमें इतनी होती है कि जब आप कंपटीशन शुरुआत करते हैं तो 5000 से ज्यादा स्टूडेंट वहां उपस्थित होते हैं और जिनका रॉन्ग हो जाता है उन्हें मैदान से बाहर होना होता है, और जो व्यक्ति के सारे सम्स बराबर आते हैं वही आखिर में वर्ल्ड चैंपियन घोषित किया जाता है। तो ये कंपटीशन लगभग 3-4 घंटे का चलता है जब तक सारे स्टूडेंट मैदान से बाहर नहीं जाते, और फिर लास्ट का एक टाइप राउंड होता है जो कि मैं मतलब मेरे और एक स्टूडेंट के बीच में हुआ था, जिसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने हाल ही में अपलोड भी किया है, आपको आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो ऐसा फाइनल राउंड होने के बाद मुझे वर्ल्ड चैंपियन घोषित किया गया। राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बिल्कुल वो वीडियो हम कोशिश करेंगे, अगर आप हमें प्रोवाइड करवाए तो इस शो में भी लगाएं उसका ऑडियो, कम से कम लोगों को समझ आए जी। तो वो बहुत जी, अच्छा जी। होगा। पर ये थोड़ा सा लाइव डेमोंस्ट्रेशन करें हम भी, थोड़ा मजा आएगा इंटरव्यू में। वेलकम वेलकम। आप तो मैथमेटिशियन हो, मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। तो यहाँ भी आपको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। चलेगा तो हम चलेगा 10 सवाल लेते हैं। तो मैक्सिमम जो डिजिट मैं रखूंगा वो 5 डिजिट, या आप बता दीजिए 4 रखूं या 5 रखूं, बता दीजिए। चलेगा आपके हिसाब से। ओके, तो हम इसमें प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आपसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे। सर एक में क्लियर कर देना चाहूंगा जी, कि प्लस माइनस को ही आप 3 सेकंड का समय रखिए, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवीजन को समय की सीमा नहीं रहती है। ओके ठीक है, तो जैसा आप कहें आप ऐसा करते हैं। राइट, चलिए पहला सवाल, तैयार हैं आप? जी सर। 5,976+297 6273। वाओ, मेरे को खुद अपना क्वेश्चन भूल गया, लेकिन आपने इतनी जल्दी 3 सेकंड में आंसर बताया। ओके, सेकंड, 3392-1199 2193। ओके, 5871-19 111549। ओके ग्रेट, नेक्स्ट 2914+1019 7999-99.97 भी बताना होता वहां पे जी। ब्रावो। ओके, 101 × 24 2424। अमेजिंग। ओके, 3210-2976 234। ये बच्चों वाला दे दिया मैंने आपको। ओके, 9999 5×9 × 99 9899901। हाँ, बढ़िया, मजा आ गया। तो ये आपने प्रणीत की कला को देखा, इनके YouTube चैनल को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो यही एक कारण है कि आप CA कब बनना चाहते हैं? जी सर, क्योंकि CA का बेस जो होता है वो कैलकुलेशंस पर ही आधारित होता है, उसके आगे ही आप सब चीज कर पाते हो, इसलिए मैंने ऐसा डिसाइड किया कि हम इस फील्ड में आ सकते हैं, और ज्यादा लोग विजुअल इम्पेयर्ड इसमें है नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि एक एग्जांपल सेट किया जाए कि कैलकुलेटर के बगैर भी CA हो सकते हैं, तो इस दिशा में मैं अभी आगे चल रहा हूँ। हमारी कम्युनिटी में बेसिकली बहुत सारे लोगों को मैथ को लेके डर रहता है और डिफिकल्ट रहता है, लेकिन आपने अवेकस की मदद से, लोगों ने खुद आपको सुना है अभी, तो इतनी जबरदस्त कमांड है आपकी इसके ऊपर, तो क्या कहना चाहेंगे
आप मैथ को कैसे लेते हैं अपनी लाइफ में? इज इट टफ? इफ वी वांट कैन वी लर्न? सर एक बात तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये आसान है, इसको टफ नहीं कह सकते, बट जो सिखाने का तरीका है विजुअली इम्पेयर को वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा गलत पड़ता है। मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा कि जब मैं पढ़ता था तो एक गणित का फ्रेम आता था, स्लेट बोलते थे, और टाइप्स होते थे और उसकी मदद से हमें सॉल्व करना होता था। तो जब मैं ये सब चीज सीखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि नॉर्मल व्यक्ति उससे भी डबल या चार पट ज्यादा हमें समय जाता है जो कि नहीं जाना चाहिए। और इसी कमी को भरने के लिए मैंने एबेकस का ट्रायल किया और आज उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मैं इतना बताना चाहूंगा कि मेथड जो है मैथ विजुअल इम्पेयर्ड को पढ़ाने का जो मेथड है वो चेंज होना चाहिए और एबेकस उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। अगर एबेकस का जो कंसेप्ट है उससे अच्छे से उस पर रिसर्च करके उसे अच्छे से डेवलप अगर किया जाए तो इंडिया के विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कि किसी से पीछे रह गए या यू कहूँ तो दुनिया में सबसे आगे रहेंगे मैथ्स के मामले में। इसका दूसरा एक कारण और दूसरा पहलू ये भी है कि हमारा ग्रास्पिंग पावर औरों के मुकाबले अच्छे होता है। ये मैंने खुद मैं जब क्लास जाता था तो नॉर्मल स्टूडेंट पर एक्सपेरिमेंट करके एज्यूम किया है और मैंने सीखा है तो उनके मुकाबले मेरी अंडरस्टैंडिंग पावर ज़्यादा थी। तो इसका फायदा भी या यूं कहें तो प्लस पॉइंट है विजुअल इम्पेयर का कि अदर मुकाबले आपके पास ग्रास्पिंग पावर बहुत जबरदस्त है। तो अगर एबेकस को यूज किया जाता है कि ये एक हम कहें ना कि 2020 का भारत है तो उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा और नए भारत के लिए ये बहुत काबिले तारीफ होगा। राइट तो आप म्यूजिक में भी बहुत अच्छे थे, मैथ में भी बहुत अच्छे, तो आपने मैथ क्यों चुना, म्यूजिक क्यों नहीं? सर मैंने पहले ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया से कुछ हटके करना चाहिए या कुछ अलग करना चाहिए। जो दुनिया के पास नहीं है वो चीज़ आपने दुनिया को देनी चाहिए, इतनी काबिलियत आप में होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो जैसा आपने पूछा कि आप म्यूजिक या फिर एबेकस इसमें से एबेकस क्यों चूज़ किया, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि म्यूजिक में तो हमारे 100 में से 80% स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे, बट इस फील्ड में आज तक भी, आज मैं 2012 से 2020 में हम लोग आ गए, 8 साल मुझे सीखते हुए हो गए बट आज तक भी इस फील्ड में कोई उतर नहीं पाया, तो इसलिए मैं इधर आया हूँ। जी तो कैसा माहौल था घर में जब आप चैंपियन बने, किन किन लोगों से आपको मिलने का मौका मिला जब दिल्ली में और दुबई में, आप फिर तो आप सेलिब्रिटी बन गए कि इंडिया को पहली बार आपने चैंपियनशिप दिलाई है, तो कैसा एक्सपीरियंस था घर में, कैसा माहौल था? सर मेरे जीवन में हमेशा से एक सेंटेंस को मैं फॉलो करता हूँ कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता पाने पर दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। तो इसी को कायम रखते हुए जब मैं दिल्ली गया तो मेरे पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि मैं दिल्ली गया हूँ। एक्चुअली मेरे माता पिता मेरे साथ में नहीं आए थे और मेरे साथ मेरी टीचर थी और हमारे क्लास का ग्रुप था, तो उनके साथ ही मैं दिल्ली गया था और किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई इंडियन और इंडियन में भी कोई विजुअली इम्पेयर्ड इस स्पर्धा को जीत सकता है, क्योंकि उस समय भी मेरे साथ इंडिया से लोग थे, इंडिया के स्टूडेंट भी थे मेरे साथ, क्योंकि किसी को ये गारंटी नहीं थी कि मैं एज अ विजुअली इम्पेयर्ड जीत पाऊंगा। तो किसी ने अपेक्षा न करने की वजह से एक आइकॉनिक और एक मिरेकल जिसे हम कहते हैं ऐसा एक माहौल बाद में बन गया। वहाँ पर तो मैं सेलिब्रिटी बन ही गया था, बहुत से मीडिया भी वहाँ उपस्थित था उस समय, TV9 था शायद और सहारा ग्रुप के भी पत्रकार बंधु वहाँ थे, तो ऐसे बहुत से लोग थे, तो एक माहौल बन गया और यूँ कहे कि मैं उस दिन का सेलिब्रिटी बन गया था। मेरे लिए गर्व की बात तो उसमें बहुत अच्छी ये थी कि 56 देशों के फ्लैग्स वहाँ लटके हुए थे और जिसमें से जब मुझे अवार्ड दिया जा रहा था तो मुझे 56 कंट्रीज के फ्लैग में से इंडिया का फ्लैग निकालकर उसे होस्टिंग करना था। तो वो जो मोमेंट था वो एक बोलते ना कि मैं समझता था कि भारत माँ की ये सच्ची सेवा मेरी तरफ से हुई है और वो एक प्राउड मोमेंट मेरे लिए था। आप चाहे तो मैं वो वाला एक वीडियो भी आपको जरूर दूंगा, तो आप ऑडियो में यहाँ प्ले कीजिए।
तो हमारे स्टूडेंट को पता चलेगा कि वो क्या कब का मोमेंट रहा होगा। और उसके बाद जब मैं औरंगाबाद लौटा तो एक हमारे एरिया में पूरे अलग ही माहौल बन गया था और एक सेलिब्रिटी की तरह मुझे बस स्टैंड से घर तक लाया गया और जगह जगह पर सबने आतिशबाजी की। उस दिन पटाखे भी फूटे थे, मैं बहुत अच्छे से मुझे याद है। और किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कोई मोमेंट मैं कर पाऊंगा, अचीव कर पाऊंगा। तो अलग ही माहौल बन गया था और इससे भी जबरदस्त माहौल तो 2016 में बना था, क्योंकि मैंने दूसरे देश में जाकर भारत का झंडा लहराया था दूसरी बार। तो 2016 में भी वैसा ही माहौल फिर एक बार मैंने देखा था। अभी भी आप चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं या उसके बाद आपने नहीं किया? जी सर, एक्चुअली 2016 के बाद मैंने कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। मैंने 2017 में लास्ट नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट किया था, जयपुर में हमारा कंपटीशन हुआ था और वहाँ पर भी मैं नेशनल चैंपियन बना था। और उसके बाद या उसके बीच में मैंने बहुत से स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के कंपटीशन किए। और उसके बाद मेरा छोटा ब्रदर है जो आज भी इसमें है, और मैं अलग अलग स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल लेवल पे ट्रेन करता रहता हूँ जितना मुझे पॉसिबल होता है, उन्हें मोटिवेट करता रहता हूँ। और आज वही लोग इस फील्ड में उतरे। क्या कारण रहा कि आपने आगे परस्यू नहीं किया? सर, सिंपल कारण ये था कि मेरी स्टडी थोड़ा बढ़ गई थी, 9-10 का ईयर था तो, और वैसे भी मेरा एल्डर ब्रदर इसमें था ही, तो उसने मैंने कहा कि आप उतर जाइए और आप कीजिए, मैं आपको मोटिवेट करूंगा। और दूसरी बात ये कि उसके बाद मैंने कॉम्पिटिशन में न जाते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ओर मैं बढ़ा और मैंने 2017 में इसी मैथ से संबंधित 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किए हैं। हैदराबाद के वारंगल में नीट यूनिवर्सिटी में मैंने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किया और उस समय मुझे मैथ जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड भी दिया गया, जिसमें सर ऐसा था कि मुझे लाइव क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे ही कंपटीशन की तरह, और अगर रॉन्ग होते हैं तो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं होगा। इतना बड़ा वो चैलेंजिंग था। और वहाँ पर 6 डिजिट का मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने लास्ट किया है, 7 में से मैं 7 नंबर का आपको बता रहा हूँ। 6,40,137 माइनस 2,85,903, ऐसे प्लस माइनस के 40 मुझे पूछे गए लगातार ऑन द स्टेज, और इसका आंसर भी 3 सेकंड के अंदर मुझे देना था। और तब मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो मेरा आंसर राइट आया और उस समय मेरा वो रिकॉर्ड बन गया। बट एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि वो तो एक तेलंगाना के वहाँ की यूनिवर्सिटी का अवार्ड सेरेमनी या फिर उनका वो कंपटीशन था, बट मैंने उसके बाद लिम्का के लिए ट्राई किया और अभी इसी वर्ष मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी ट्राई किया। बट सर वो लोग वहाँ पे मुझे फिर एक बार वही प्रॉब्लम आ रहा है कि वो बोलते कि हमारे लिए, हमारे पास ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है और हम आपको चांस नहीं दे सकते। और ऐसी मुझे तकलीफ पिछले 2 साल से हो रही है, इसलिए मेरा काम थोड़ा सा अटका हुआ है कि लिम्का और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए मेरा चयन नहीं हो पा रहा है। बट आज मैंने उनका जब वेबसाइट का सारा रिसर्च किया तो मैंने ये पाया है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स ने वहाँ रिकॉर्ड बनाया है, मैं उनसे 10 पट आगे के रिकॉर्ड बना सकता हूँ अगर मुझे चांस दिया जाए तो। बिल्कुल, तो ये बैड लक है कि सब कुछ होने के बाद भी टाइम टू टाइम डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता ही है जी। तो रेडियो डान का नाम भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में है जी। तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों के साथ, तो आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, किया ही जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट की ओर से कैसा रिस्पांस था प्रनीत? इससे पहले मैं एक बात तो बोलूं कि मुझे भी बहुत प्राउड हो रहा है आज आपके साथ इंटरव्यू करते हुए। आप आज की डेट में 19 ईयर के हैं, लेकिन आपने 4-5 साल पे 14-15 साल की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाए और लाइव इस तरह से नर्वस हुए बिना जीता, तो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट के द्वारा एबेकस को अभी मान्यता नहीं दी गई है। जो एबेकस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें गवर्नमेंट ने अभी तक कोई मान्यता दी नहीं है। वो प्रोसेस अभी चल रहा है बट अभी तक उसका कोई रिजल्ट आया नहीं है। अगर ऐसा होता तो जब मैं दुबई गया या फिर मैं दिल्ली भी गया तो उसका जो खर्च होता वो शायद गवर्नमेंट
के हाथों आता, बट ऐसा कोई गवर्नमेंट ने इसे मान्यता नहीं देने की वजह से ये फील्ड अभी ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि म्यूजिक सबको पता है, खेल सबको पता है, इसमें भी अलग अलग पार्ट से जो गवर्नमेंट की मान्यता में आते हैं, तो ये सब चीजें होने के कारण जो लोग इसमें चैंपियन बनते हैं वो तो पूरी दुनिया को मालूम हो जाते हैं, बट वैसे जैसे एबेकस जैसी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी अभी नई नई आई है, तो इनमें अगर आप कुछ करते हैं तो आपको उतना वैल्यू अभी नहीं मिलता है, बट मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगले एक दो वर्षों में अगर गवर्नमेंट इसे मान्यता दे देती है तो मुझे एज अ फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन एंड फर्स्ट इंडियन के रूप में शायद कुछ इससे मिलेगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ. नॉट श्योर अबाउट दैट. राइट, मिलना चाहिए. जिंदगी में आपके गोल क्या है? सर जी, अभी तो मेरा एक गोल है कि मैं सीए फील्ड में आना चाहता हूँ और एक आइकॉन बनना चाहता हूँ, और दूसरी बात मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वगैरह तो सब करते ही है नो डाउट, बट एक बड़ा बिजनेस मैं खड़ा करना चाहता हूँ. मेरी हमेशा से इच्छा रही कि अपना खुद का एक बिजनेस भी होना चाहिए बड़े लेवल पे, तो मैं इस दिशा में कोशिश कर रहा हूँ. अब कितना सफल होगा ये बोल नहीं सकते, बट मेरी दिन रात कोशिश इस दिशा में जारी है, और इसके साथ साथ मैं इंडिया बुक और लिम्का बुक के लिए सर ट्राई कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए और इसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेरा नाम जाना चाहिए, क्योंकि कोई विजुअल इम्पेयर आज तक इस दिशा में पहुंचा नहीं है. और सर मेरा एक और इच्छा है जो आज मैं पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर रखना चाहूँगा. मैं चाहता हूँ कि कौन बनेगा करोड़पति का जो शो आता है, जिसमें कभी कभी मैंने देखा है कि स्पेशल गेस्ट वो लोग बुलाते हैं, तो कभी मुझे एक मौका मिलना चाहिए कि मेरे टैलेंट को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक तो बहुत अच्छा मंच भी है. और वहाँ पे पहले जैसा एक बार मैं देखा कि कौटिल्य पंडित नाम का एक स्टूडेंट था जो वहाँ पे आया था, और उसने वो मल्टी टैलेंटेड भी था जो अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर देते ज्योग्राफी के. यस यस, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए. उसके लिए मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, बट मुझे जाना कैसे चाहिए, वहाँ कैसे पहुँचना चाहिए, इसका कोई अभी रास्ता मिल नहीं रहा है. तो अगर आप रेडियो उड़ान के माध्यम से कुछ कर पाए मेरे लिए तो मुझे बहुत खुशी होगी. बिल्कुल, ग्रेट. आपकी हॉबीज क्या है? सर मुझे खेल में तो चेस वगैरह खेलना पसंद है, और मुझे थोड़ा क्रिकेट वगैरह देखने का भी शौक है, और अभी पिछले एक दो वर्ष में मुझे न्यूज वगैरह देखने का थोड़ा पॉलिटिक्स के एंजॉय, मतलब मैं उसमें एंजॉय करता हूँ, तो वो सब देखने का मुझे शौक भी है. इसके साथ साथ मैं म्यूजिक की मुझे पसंद है, तो मैं क्लासिकल म्यूजिक और सुगम संगीतम जिसे कहते हैं, तो मैं रेडियो वगैरह भी सुनता रहता हूँ जब भी थोड़ा बहुत खाली समय मेरे पास होता है. और बस ज़्यादा कुछ नहीं सर, बट जितना वक्त तो मुझे मिलता नहीं है, बट जितना मिलता है उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन और फ्रेश होने का प्रयास करता हूँ. आज की डेट में जिस तरह की न्यूज और पॉलिटिक्स है उसको सब एंजॉय करते हैं आपके साथ साथ जी. चलिए, जोक सपाट, आपके हिसाब से क्या चैलेंजेस पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के सामने हैं, और कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए? सर मैं हिस्ट्री पर बाद में बताऊंगा हिस्ट्री के, बट मैं अभी एक करंट का चैलेंज आपके सामने रखना चाहता हूं. अभी पिछले एक दो साल से मैं सर देख रहा हूं कि समाज में पहले हम कहते थे कि जन जागृति नहीं आई है, लेकिन आज ऐसा हुआ है कि समाज में जन जागृति तो हो गई है, मतलब भले ही 100% नहीं हुई है ये एक्सेप्ट करना चाहिए, बट कुछ लोग हैं जिनमें ये अवेयरनेस आ रहा है और कुछ कुछ लोग हमें अच्छी नज़रों से देखने लगे हैं. बट इसमें मैंने एक चीज़ ऐसे अर्जुन की है कि अगर हम कहते कि फॉर एग्जांपल मुझे मैथ सीखना है, तो मैं कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी संस्था के माध्यम से कहता हूँ कि मुझे कोई आप मैथ्स का टीचर दे सकते हैं क्या, तो ऑर्गेनाइजेशंस तो अपने तरीके से पूरा प्रयास करती है और टीचर मिल भी जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है, वो सिर्फ उनके सोशल प्लेटफॉर्म्स पर टीचर ढूंढती है और उनसे कॉन्वर्सेशन करके फिर मेरा लिंक वहाँ पे जोड़ देती है. बट आगे मैंने ये अज्यूम किया है कि
जो टीचर होता है, जो टीचर समय मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं वॉलेंटियर्स, वॉलेंटियर के स्वरूप में वो लोग पढ़ाने आते हैं, और जब शुरू होता है तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, मेरी मेरी मन से इच्छा है, मैं आपसे एक रुपया नहीं लूंगा। तो मैंने ये देखा कि ये लोग शुरू तो बहुत अच्छे से करते हैं, बट आगे 10 दिन 15 दिनों के बाद इसमें ब्रेक लग जाता है और ये लोग लाइटली लेने लगते हैं हम जैसे स्टूडेंट्स को। तो मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ कि मेरे मेरे जैसे टैलेंटेड व्यक्ति के साथ अगर ये हालत ये लोग कर सकते हैं, तो कोई कोई नया बंदा अगर इसमें उतरता है जिसके पास हम कहेंगे कि इतना मेरे इतना मोटिवेशन नहीं है, या जो अभी अभी स्कूल लाइफ से बाहर निकलकर अभी कॉलेज लाइफ में आया है, और या फिर हम कहें कि कोई गांव से उठकर शहर आया है, तो उसके क्या हाल होते होंगे। जब मैं ये अज्यूम करता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि आज मेरे पास इतना टैलेंट होने के बाद भी ये लोग मुझे इतना रिजेक्ट करते हैं या उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर अवेयरनेस दुनिया के अंदर आ रहा है तो उसके साथ साथ सीरियसनेस भी आना चाहिए, और उन्होंने हमें सीरियसली लेना चाहिए कि ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, भले ही इसके जीने का तरीका अलग है, उसका रहने खाने का तरीका अलग है, या उसका थोड़ा सा जीवन अलग है, बट उस अपना जैसा दिल है वैसा उसका भी दिल है, अपना दिमाग है वैसा उसका भी दिमाग है। तो इस हिसाब से लोगों को एज्यूम करना चाहिए, और हमारे जैसे स्टूडेंट्स को सीरियसली लेकर अच्छे से, अगर आप कोई काम खुद के विल से स्वीकार रहे हैं तो आपको उसे पूरा करके ही दम लेना चाहिए। ये वाला अवेयरनेस भी समाज में आना चाहिए, ऐसा आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विनंती करना चाहूंगा। बिल्कुल, तो आप अवेयरनेस तो आ रही है धीरे धीरे, लेकिन एटीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा, जिसकी हम लगातार डिमांड कर रहे हैं। जी कंटिन्यू। और सर एक और बात इसमें होती है ना कि लोग समाज सेवा तो करते हैं, बस समाज सेवा के नाम पर दिखावा ज्यादा करते हैं। तो मैंने एक चीज देखी है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मुझे लोग बुलाते हैं, मुझे कहते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, बट जब करने की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, बट उसके पहले पब्लिसिटी अच्छी कर लेते हैं। तो मैं इससे बहुत आहत हूँ कि मेरे पास टैलेंट है और लोग उसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, कि पूरी दुनिया को बता देते हैं कि मैं इस व्यक्ति को बंदे को पढ़ा रहा हूँ, और ऐसा ऐसा बंदा है हिस्ट्री में उसने ये सब किया है और इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा सौभाग्य। अपनी पब्लिसिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या उनके कम्युनिटी में कर तो लेते हैं, बट जब असली खेल शुरू होता है तब वो पीछे हट जाते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सर दूसरी बात मैं रखना चाहूँगा कि मेरा शिक्षण जो है वो नॉर्मल स्कूल से होने के कारण मैंने ये पाया है कि आप जब नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही नॉर्मल व्यक्तियों के साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए, उनके साथ कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे बिहेवियर करना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, ये सब हम पहले से सीख जाते हैं। या फिर एक यूं कहूँ तो उन्हें भी एक अंदाजा आता है कि हाँ कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट जो है वो हमसे अलग नहीं होते हैं, भले ही उनका जीवन जीने का तरीका क्यों ना अलग हो, तो ये एक उनमें भी पॉजिटिविटी आती है। दूसरी बात मैंने देखी है कि जो टीचर्स होते हैं उन्हें भी एक अलग एक्सपीरियंस आता है और उनके अंदर भी अवेयरनेस आती है। तो जब वो लोग उनके कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ पे ये अवेयरनेस उनमें अपने आप डेवलप हो जाता है। तो मेरी मांग हमेशा ये रहती है कि जो हम विजुअली इम्पेयर्ड के लिए स्पेशल स्कूल बनाते हैं वो स्कूल ना बनाते हुए उन विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को नॉर्मल स्कूल में डालने के लिए गवर्नमेंट ने भी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो सामाजिक संस्थाएं हैं इन्होंने इसमें आगे आना चाहिए और ये करना चाहिए। और दूसरी बात, जो ब्लाइंड स्कूल में जो टीचर हम लोग भेजते हैं पढ़ाने के लिए उनको एरिया वाइज डिवाइड करके वो नॉर्मल स्कूल में भेजना चाहिए जहाँ पर ये विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट पढ़ते हैं। और इससे होगा ये कि सभी बच्चे जो विजुअल इम्पेयर्ड हैं वो स्टार्टिंग से ये सीख पाएंगे कि नॉर्मल दुनिया के साथ आपको कैसे जीना है। दूसरी बात, जब नॉर्मल स्टूडेंट इनको देखेंगे तो उनमें भी उनके भी अवेयरनेस आएगा और वो भी इन बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए ये सीखेंगे। इसका परिणाम ये होगा कि वो जो पीढ़ी है कल जाके वही देश का भविष्य है। तो हमें तो जो नहीं मिला ठीक है, बट ये जो पीढ़ी आएगी इनको ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में अगर
गवर्नमेंट और ये सब ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम कर सके तो एक बहुत अच्छी चीज होगी। मैं इसमें एक पूरे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ब्लाइंड शिक्षक वहां जाएगा उसने सबके समक्ष वो स्कूल में उस ब्लाइंड विद्यार्थी को ब्रेल सिखाना चाहिए, उसको मोबिलिटी सिखाना चाहिए। इससे होगा ये कि जो नॉर्मल शिक्षक है या नॉर्मल स्टूडेंट है उन्हें भी पता चलेगा कि ब्लाइंड व्यक्ति को ट्रेन कैसे करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सर ये बहुत अच्छी चीज़ होगी अगर हम लोग इस दिशा में कदम बढ़ा देते हैं तो एक बहुत अच्छा अचीवमेंट भी होगा। तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन के पक्ष धर रहे हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन से एटीट्यूड में चेंज आता है, अवेयरनेस आती है, ऐसा आप मानते हैं और ऐसा आप चाहते हैं कि देश में हो। आपके रोल मॉडल कौन है? सर वैसे पिक्चर वगैरह तो मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ, बट मैंने अभी हाल ही में जैसा पिछले 8-10 वर्षों का एक्सपीरियंस किया तो अक्षय कुमार जी के पिक्चर जो है वो नेशंस के ऊपर ज़्यादा आते हैं, तो एक मेरे लिए वो भी रोल मॉडल है। बट मेरे लिए अगर सबसे बड़े रोल मॉडल आप पूछेंगे तो मैं नरेंद्र मोदी जी को ही मानता हूँ, क्योंकि उनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी भी है, उनके बारे में सब कुछ जाना भी है और 2013 से मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ, तो वो ही मेरे लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल है। और सर मेरी इच्छा है कि कभी मोदी जी से जब तक वो पीएम है तो वो पीएम रहते हुए मैं उनसे मिल सकूं, ये मेरी एक इच्छा है सर। तो आप पीएमओ को एक लेटर लिखिए। सर मैंने एक बार मेल किया था बट मुझे उसका रिप्लाई कुछ आया नहीं, मैंने 4 साल पहले किया था सर। उनको पत्र लिखिए रजिस्टर्ड पोस्ट से। जी तो मोदी जी मिलते रहते हैं डिसेबल से, जरूर। तो हो सकता है कि आपका नंबर भी लग जाए, सबकी इच्छा है कि उनसे मिला जाए। जरूर सर। जिंदगी में सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट और सबसे इमोशनल मोमेंट आपकी क्या रही है? सर मेरे जीवन में एक ऐसा मोमेंट था जब ये दोनों चीजें एक साथ हो रही थी, क्या करूं मुझे पता नहीं चल रहा था। वो मोमेंट ये था कि जब मैं दिल्ली में पहली बार जीता था, मैं इंडिया के लिए ये सब मतलब मैंने अचीव तो कर लिया था, तो वो एक सबसे अच्छा प्राउड मोमेंट भी था। बट उस समय दूसरी तरफ ऐसा भी था कि मेरे पेरेंट्स तब साथ में नहीं थे जिन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाया, सब कुछ किया, तो वो लोग तब साथ में नहीं थे जब मैं वो झंडा फहरा रहा था भारत का। और मतलब मेरी इच्छा थी कि तब स्टेज पे वो भी साथ में रहते तो एक अलग ही खुशी उस समय होती, तो दोनों क्षण मैं एक ही समय पर जी रहा था। आपने शो के शुरू में कहा कि आप अलग अलग स्तर पर इंडिविजुअल तौर पे बच्चों को अवेयरनेस के बारे में पढ़ाते हैं, तो क्या प्लान है कि आगे आप और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को ये सिखाएं ताकि वो भी इस क्षेत्र में महारत हासिल कर सके? सर जी मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती है विजुअली इम्पेयर्ड को पढ़ाने के लिए, बट लिमिटेशंस मेरा इतना ही है कि मेरे पास अभी उतना समय नहीं होता है कि मैं किसी को पढ़ा सकूं। और दूसरी बात यह है कि मैंने एक चीज देखी है मेरे जीवन में मतलब एबेकस के फील्ड में, तो कि जो अच्छा पढ़ सकता है वो अच्छा पढ़ा नहीं सकता और जो पढ़ा सकता है वो अच्छा कर नहीं सकता। यानी टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे जो टीचर है उन्हें ये चीज़ करनी नहीं आती बट उन्हें पढ़ाना बहुत अच्छा आता है, मुझे करना अच्छा आता है बट मुझे पढ़ाना नहीं आता है। मैंने कोशिश भी की क्लास में पढ़ाने की बच्चों को बट वो तरीका मुझे जमता नहीं है जो टीचर को जमता है, या उस लेवल तक मैं नहीं पहुंच पाता हूँ पढ़ाने के जिससे स्टूडेंट को समझ सके। अब इसका स्टडी तो मैंने डीपली कभी किया नहीं क्योंकि अभी तक मुझे वैसे जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन इतना एक मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी मैं जो एबेकस में बेसिक जिनका कम्प्लीट हुआ है कॉम्पिटिशन के लिए मैं उन्हें ही मोटिवेट करता हूँ। नया मैंने अभी बेसिक से किसी को कभी पढ़ाया भी नहीं है और विजुअल इम्पेयर्ड का तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, बट मेरा ये मानना है कि एक बार मेरा लाइफ सेट हो जाए उसके बाद मैं विजुअल इम्पेयर्ड के लिए ये काम जरूर शुरू करूँगा। बिल्कुल, लेकिन अगर किसी को आपसे कोई हेल्प चाहिए हो तो आपके साथ कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? सर जी मैं हेल्प करने के लिए 24/7 अवेलेबल रहता हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी जीवन में कठिन प्रसंग देखे तो मुझे बहुत लोगों ने हेल्प की भी और बहुत लोगों ने रिजेक्ट भी किया है, तो मैं ये मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप किसी परेशानी में होते हो तो आपको बहुत तकलीफ होती है, तो जो मैंने
तकलीफ सही है वो किसी को ना हो। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे मेल आईडी पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश भी करूंगा। सो मेरा मेल आईडी है pranitgupta@gmail.com pranitgupta@gmail.com जी। तो मैं संदीप त्रिवेदी जी जो हमारे फॉर्मर आरजे हैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इतने मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी से हमें इंटरव्यू करने का मौका दिया। तो रिकॉर्डिंग क्लब चलाते हैं अब वो, और अगर आप लोग रिकॉर्डिंग क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और एजुकेशनल मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप 7737868659 पर उनके साथ कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। प्रनीत, हमने बिगनिंग में जिक्र किया था कि आपको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिलने वाला है, तो अपने अवार्ड्स के बारे में लिसनर्स के साथ शेयर करें कि इतनी छोटी उम्र में इतनी मेहनत से आपने बड़े बड़े अवार्ड जीते हैं, तो उनके बारे में हमें बताएं। जी सर, मुझे वैसे तो एबेकस में दो बड़े अवार्ड जो मिले 2015 और 2016 में वर्ल्ड चैंपियन का अवार्ड, इसके साथ साथ मुझे दो बार नेशनल चैंपियनशिप भी मैंने जीती है एबेकस में ही इंडिया के लिए। स्टेट में 3-4 बार जीती है। उसके साथ साथ 2017 में मुझे मैथ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए इंडियाज गॉट टैलेंट मैथ जीनियस अवार्ड 2017 से भी नवाजा गया था। और इसके साथ साथ म्यूजिक में मैंने तबला विशारद कंप्लीट कर लिया है, और जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था उसी वर्ष मैंने विशारद की परीक्षा भी दी थी और उसी वर्ष एबेकस के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए थे मैथ्स के। सो उसके बाद मैंने बालश्री राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए जो परीक्षा ली जाती है बाल भवन दिल्ली द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा ये ली जाती है, उसके लिए मैंने पहले जोनल लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, ऐसे 3 लेवल की परीक्षाएं दी और 2016 की बैच का बालश्री राष्ट्रपति अवार्ड तबला वादन में मुझे पिछले वर्ष घोषित हो चुका है और अभी जल्दी वो मिलने भी वाला है। इसके साथ साथ मुझे चेस खेलने का भी शौक है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में मैं गया हूँ अलग अलग। अभी पिछले 1-2 साल से मैं वक्तृत्व भी करता हूँ, जिसे हम स्पीच कॉम्पिटिशन जैसा कहते, तो वो भी मैं देता हूँ अलग अलग विषयों पे अपनी प्रतिक्रियाएं और अपना व्यू जो है मैं पब्लिक के सामने हमेशा रखता हूँ। तो इसके भी अनेकों कॉम्पिटिशन्स मैंने पहले से ही जीते हैं। और मेरा एक भाषण था जो मैंने औरंगाबाद में मराठवाड़ा में टॉक किया था, एक हिंदी दिवस के ऊपर मेरा एक भाषण हुआ था जिसका रिकॉर्डिंग अभी उपलब्ध तो नहीं है, बट उसके लिए मुझे तब प्रथम अवार्ड मराठवाड़ा में मिला था। वो जो भाषण है वो मैंने नरेंद्र मोदी जी की हूबहू आवाज़ तो नहीं, बट उनके स्टाइल में वो भाषण मैंने पूरा देने की कोशिश करा था और 70-80% उनकी कॉपी आप कह सकते हैं। तो दो लाइनें हो जाते हैं, दो लाइनें हो जाए। सर आप ही बता दीजिए क्या बोलना चाहिए। आप उसी भाषण में से हिंदी दिवस भी आ रहा है। जी जरूर। भाइयों बहनों नमस्कार, आप सभी तो जानते ही हैं कि हर वर्ष 14 सितंबर के दिन हमारे देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भाइयों बहनों मैं चाहूंगा कि इस वर्ष होने वाले हिंदी दिवस कार्यक्रम में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और अपनी भाषा को और मजबूत बनाइए और ये प्रण लीजिए कि हिंदी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और हम ज्यादा से ज्यादा हिंदी बोलेंगे और हमारे देश की भाषा को आगे बढ़ाएंगे और ये पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी राष्ट्रीय भाषा एक दिन दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। जी, बहुत खूब। तो कुछ सिंगिंग का भी हो जाए दो लाइनें। जरूर सर जरूर। वैसे तो मुझे राष्ट्रभक्ति काफी पसंद है तो मैं उसी से रिलेटेड गाने सुनता भी रहता हूँ और प्रस्तुत भी करता हूँ। सो वैसे तो अभी मैं कोई गाना प्रस्तुत नहीं करूँगा, बट दो गानों के दो दो लाइनें मैं प्रस्तुत करूँगा और वो एक मिनट में मिक्स करने का प्रयास करूँगा। लेकिन सबसे माफ़ी भी चाहूँगा कि मुझे इसका म्यूज़िक पसंद आता है इसलिए मैं इसको मिस करता हूँ। शब्दों से ये कितना मैच होता है मैं नहीं जानता, बट आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करूँगा।
है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरी आल है दाई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरी आल है रानी। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरी आल है रानी। जय हिंद जय हिंद। मजेदार। अब जाते जाते 200 बाल जी। अच्छा, आपने रेडियो डांस सुना पहले कभी? सर जी, आपको मैं एकदम क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि मैंने आधे से ज्यादा कंप्यूटर रेडियो उड़ान के टेक्स्ट सिटी प्रोग्राम सुनकर ही सीखा है। और मेरी एक्चुअली इंग्लिश भी कमजोर थी, मैं मराठी स्कूल से बिलोंग करता था तो इंग्लिश थोड़ी भी कमजोर थी, तो मैं इंग्लिश का जो शो आता है वो भी सुनता रहता हूँ दिव्या शर्मा जी का। और एक बार अभी मुझे टेक सिटी में प्रॉब्लम आया था कंप्यूटर में, तो मैंने मीनल सिंघवी मैम से कांटेक्ट भी किया था मेल द्वारा। तो रेडियो उड़ान का सर मुझे बहुत ही सहयोग या यूं कहे तो बहुत ही मदद मिलती है, और एक प्रकार से आप बोल सकते हैं ना कि एक प्रकार का गुरु है मेरे लिए रेडियो उड़ान। आपका भी प्रोग्राम मैं कम्युनिटी कलर्स सुनता रहता हूँ, और बहुत सी अच्छी चीज़ें और इस फील्ड में क्या चल रहा है और आगे क्या करना चाहिए, ये आपके जो सजेशंस होते हैं इसके ऊपर से मुझे एनालिसिस करने के लिए बहुत मदद मिलती है। और अभी आज जो मैंने आपके सामने मेरी मांगे रखी है, कहीं तो कहीं ना कहीं इसमें रेडियो उड़ान का भी योगदान रहा है कि आपका एनालिसिस सुनकर ही मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया कि आज मैंने अपने सजेशंस रेडियो उड़ान पर ही प्रस्तुत किए। राइट, थैंक यू सो मच। परनीत, जाते जाते हम चाहेंगे कि कुछ टिप्स बीकॉम से रिलेटेड हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करें, और आपका क्या मैसेज रहेगा, और अगर कोई बात मुझसे छूट गई हो, कोई सवाल छूट गया हो जो आप शेयर करना चाहते हो तो स्टेज इज योर्स, शो इज योर्स। सबसे पहले तो मैं एक सजेशन मेरा देना मैं छूट गया था तो वो एक दे दूंगा और उसके बाद मैं आपके सवाल की ओर बढ़ूंगा। मैं सजेशन ये दूंगा कि आज कोरोना काल वगैरह ये जो चल रहा है तो इसमें एक मांग अच्छी होती है कि वर्क फ्रॉम होम। तो इस पर मैंने कुछ एनालिसिस किया था तो मेरा ऐसा ध्यान में आया कि भले कोरोना हो या ना हो, बट वर्क फ्रॉम होम का जो आइडिया है ये विजुअल इम्पेयर के लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि विजुअल इम्पेयर स्टूडेंट को सार्वजनिक ट्रैवल करना ट्रेन बसों से या मुंबई में कहे तो लोकल वगैरह से ये बहुत तकलीफ जाती है। तो अब अगर डिजिटल युग आ ही गया है और हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं तो ऐसा कोई सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम को खास करी विजुअल इम्पेयर के लिए बढ़ावा मिलना चाहिए और उनको ऐसा ही काम मिलना चाहिए जो वो घर से भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% डिपेंड कर दीजिए, बट 50% तो भी वर्क फ्रॉम होना चाहिए, ऐसी मेरी एक मांग रहेंगी। और वैसे तो इस दिशा में बहुत से कदम बढ़ भी रहे हैं तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, बट रेडियो उड़ान भी अगर इस दिशा में कुछ कर पाए, आप अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को आप ला पाए तो आप जरूर लाइए, हमें भी सुनने का मौका मिलेगा और इस पर हमारी राय हम आगे भी देखते रहेंगे। उसके बाद मैं कह देना चाहता हूँ कि बीकॉम में तो अभी एंटर किया है तो उसके बारे में एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ये तो मैं अभी बता नहीं सकता, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि हाँ, कॉमर्स एक अच्छी फील्ड है, इस फील्ड में आप आके अपने आप को आजमा सकते हैं। बस इतनी आपको देखना है कि इतना आपको देखना पड़ेगा कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति ना मिल जाए कि जो आपको पहले तो बहुत अच्छी अच्छी बात करे, 10 दिन आपको अच्छे से भी पढ़ाए और 11वें दिन आपको छोड़ कर चल जाए। और दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखना होगी कि
कॉमर्स के जो टेक्निक्स है उसी क्लियर या एक्यूरेट टेक्निक से आपको ये सीखना है, नहीं तो मैंने ऐसे भी विद्यार्थी देखे जो जिनका कॉमर्स दुश्मन बन जाता है, या कॉमर्स का एक आधा कोई सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमिक्स है या अकाउंट्स बोलिए, ऐसे सब्जेक्ट उनके दुश्मन बन जाते हैं। तो इसका मैंने एक ही कारण देखा है कि जब शिक्षक पढ़ाते तो वो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते नहीं है, या फिर शिक्षक ही या फिर जो पढ़ाने वाले वो प्रॉपर टेक्निक्स का यूज नहीं करते हैं। और इसमें भी अगर विजुअल इम्पेयर्ड के लिए देखा जाए तो प्रॉपर टेक्निक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कभी कभी यूज नहीं की जाती है। तो आप कॉमर्स में आने से पहले इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखें। और आज तो इतना सोशल मीडिया है, अवेयरनेस है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें को हैंडल करने में ज़्यादा मुश्किल आती होगी, क्योंकि मुझे तो नहीं आती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और जब भी आप कॉमर्स में आए तो अकाउंट वगैरह को देख के बिल्कुल आपको डरना नहीं है, मैथ्स को देख के भी डरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे एबेकस आता है तो मैं मैथ्स आराम से कर सकता हूँ और आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मत मानिए। क्योंकि हमारे इंडिया में भी मुझसे पहले 4-5 CA हो चुके हैं ब्लाइंड में, तो उन्होंने तो जैसा किया है। मैं सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ कि मेरे जो बेसिक कैलकुलेशन है वो औरों से अच्छे हैं, उतना ही मुझे फायदा मिलता है। बाकी चीजें मुझे आपकी तरह ही सब कुछ करनी होती है, जैसा अभी हम बोलते हैं कि मैथ्स में फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, तो वो सब मुझे भी आपकी तरह ही लर्न करना पड़ते हैं या उसके प्रॉपर टेक्निक से स्टडी करना पड़ता है। सिर्फ जो कैलकुलेशन का पार्ट है उतना ही मैं अभी से कर पाता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल कोई मत समझना कि मेरे लिए कॉमर्स आसान है और आपके लिए हार्ड है। आप कॉमर्स में कैलकुलेटर अलाउड होता है, बीकॉम में तो अभी पता नहीं मुझे, बट सीए में अलाउड होता है। तो कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको टेक्निक पता होना जरूरी है, तो वो तो खैर सीखने में हो ही जाता है। तो कॉमर्स एक अच्छी फील्ड है, आर्ट्स का हमारे फील्ड में ज़्यादा प्रकोप है, बट अगर कॉमर्स के तरफ भी अगर स्टूडेंट्स को बढ़ाया जाए तो मैं समझूंगा कि ये भी एक नई क्रांति होगी और एक नई अच्छी फील्ड विजुअल इम्पेयर्ड के लिए आगे डेवलप होगी। क्योंकि पहले जैसा मैंने कहा कि हमारा ग्रास्पिंग पावर औरों से अच्छा है, तो कैलकुलेशन जो होते हैं, अगर आप बैंक में काम कर रहे हो या और कोई इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हो, तो आपको उसका पूरा पूरा फायदा भी मिलता है। तो अच्छी फील्ड है, आप जरूर इसमें आ सकते हैं। और दूसरी बात, मैं एक पेरेंट से कहना चाहता हूँ कि आप अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज उपलब्ध है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना कि अपने बच्चों को, दिव्यांग छात्रों को आप नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल व्यक्तियों के साथ पढ़ा सके। मैं ये जानता हूँ कि आपको तकलीफ बहुत आएंगी, मेरे माता पिता को भी आई थी, बट मैं इसमें यह भी मानता हूँ कि जो तकलीफ आज उन्होंने मेरे लिए उठाई उसके वजह से ही आज मैं रेडियो उड़ान पे इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। इसी तरह आपका छात्र भी कल आकर रेडियो उड़ान पर ऐसे ही इंटरव्यू देगा अगर आप ये उसके लिए चीज करते। क्योंकि मेरा वो प्लस पॉइंट रहा कि मैं नॉर्मल स्कूल से पढ़ा तो मुझे पहले से कैसे जीना चाहिए ये पता था। मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स ब्लाइंड स्कूल से पढ़ते हैं, जब वो 7-8 में आते हैं तो उन्हें बाहर की दुनिया कैसी है ये पता नहीं होता है या बहुत कम पता होता है। तो उनमें और मुझ में एक डिफरेंस था, और उसका जब एनालिसिस किया तो मैंने यही पाया कि अगर इनको मेरी तरह नॉर्मल में पहले से पढ़ाया जाए तो ये पॉसिबल होगा। तो सबसे पहली शुरुआत माता पिता ने करना चाहिए। तो माता पिता अगर शुरुआत करेंगे, इसके लिए लड़ेंगे, तो अपने आप गवर्नमेंट और अलग अलग जो NGO काम करते हैं उन्हें भी इस दिशा में अपने आप अपने कदम बढ़ाने होंगे। रेडियो उड़ान के जैसे जो भी प्लेटफॉर्म है, मेरी बात सुनने के बाद आप लोग तो इसमें बढ़ेंगे और जन जागृति करेंगे, बट एक होता है ना कि पेरेंट्स को भी इसमें पॉजिटिविटी लेना जरूरी है। जो तकलीफ आती है उसको उन्हें हैंडल करना होगा, और अगर वो अच्छा भविष्य चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज होगी। और आखिरी बात मैं विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, ये जीवन अगर ऐसे मिला है तो इसको ऐसे ही जीना पड़ेगा, उसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ अब अपने जीवन को अच्छा से अच्छा बनाया जाए और कैसे बेहतर जीवन जीना है इसकी ओर आपको देखना है। बस आप इतना दिमाग में रख लीजिए कि भाई ये जीवन ऐसा तो ऐसा ही सही। तो अगर ये आप चीज पक्की कर लेते हैं तो आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। और जाते जाते मेरे जीवन की जो लाइन है, मैंने बीच में भी बोली थी, आखिरी बार एक बार बोलूंगा कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता पाने पर दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। ये चीज अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो मैं नहीं मानता कि दुनिया में आपको कोई रोक सकता है। जय हिंद। जय हिंद।
प्रणीत, जाते जाते मैं चाहूंगा दो चार सवाल का एक और सेशन छोटा सा हो जाए। ओके, मैं फिर कैलकुलेटर खोल रहा हूँ, तो मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद ही फंस जाता हूँ अपने सवालों में। चलिए, 45 × 55 2475 मैं चेक करूं एक बार। ओह ग्रेट, 99 / 5 19.8 204 - 79 125 99 × 49 4851 ये मैं चेक करता हूँ। क्या बोला आपने? 4851 ओ ग्रेट, 607 + 917 1524 23 × 23 2,50,999 - 1,47,901 103,098 999 × 47/22 4543.045 Thank you so much, Praneeth. It was lovely interview. I hope you enjoyed. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। तो प्रणीत, अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता दीजिए लोग अगर वहाँ विजिट करना चाहें। जी, मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड चैंपियन प्रणीत द किंग ऑफ कैलकुलेशन नाम से है, बट अगर आप सिंपली यूट्यूब पे जाकर प्रणीत गुप्ता भी सर्च कर लेते हैं तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा, फर्स्ट नंबर पे आता है, बट सिर्फ प्रणीत का स्पेलिंग TRANEET आपको डालना है, तो प्रणीत गुप्ता सर्च करने से आपका चैनल मेरा मिल जाएगा। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।